महाराष्ट्र के नंदुरबार गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस के पेंट्री कोच में शनिवार सुबह आग लग गई। दुर्घटना नंदुरबार स्टेशन से पहले हुई है और ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर पहुंची वहां मौजूद यात्री इसे देख के सहम गए। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही यात्री अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से बाहर कूदने लगे। अभी तक किसी के भी घायल या मृत होने की कोई सूचना नहीं है। आग लगने का कारण भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। ट्रेन में सवार कुछ यात्रियों ने दहशत में चिल्लाना भी शुरू कर दिया। चीख पुकार और शोर सुनकर आसपास के डिब्बों में से भी लोग बाहर निकलने लगे। आग की लपटों और धुएं के गुबार के कारण कोच में सवार कुछ यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई हुई। वेस्टर्न रेलवे ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि आग शनिवार सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस के पैंट्री कोच में लगी है, जिस दौरान दुर्घटना हुई। ट्रेन नंदुरबार स्टेशन पर पहुंच रही थी। स्टेशन पर लगे अग्निशमन यंत्रों से ट्रेन में लगी आग को बुझाया गया। इसी दौरान फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को भी इसकी जानकारी दी गई। स्थानीय फायर ब्रिगेड की टीम सुबह 11 बजे प्लेटफॉर्म पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। आग लगने की जानकारी मिलते ही पैंट्री कार को अन्य डिब्बों से अलग किया गया और बड़ी दुर्घटना को समय रहते टाल दिया गया। 22 डब्बे की ट्रेन में पैंट्री कार 13वें नंबर पर थी। स्टेशन के पास होने के कारण ट्रेन की रफ्तार धीमी थी, इसलिए मोटरमैन ने मौके पर ही उसे रोक दिया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है और सभी यात्रियों को ट्रेन से सही सलामत उतार लिया गया है। DRV न्यूज़ के लिए मेघा खाड़े की रिपोर्ट।